तीसरी प्रखंड में हुए जच्चा और बच्चे के मौत को गिरिडीह जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और ऐसी घटनाओं से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस बाबत गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा के द्वारा समाहरणालय में जानकारी दी गई कि जिले के तीसरी प्रखंड में घटे घटनाक्रम गर्भवती महिला एवं बच्चे की मौत के आलोक में प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, गर्भवती महिलाओं की समुचित ट्रैकिंग, हार्ड टू रीच एरिया में प्रसव के विशेष कार्य योजना एवं प्रसव हेतु समुचित परिवहन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जिले में संस्थागत प्रसव की स्थिति 87% है। गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में निबंधन 58% है एवं ANC-4 की उपलब्धि मात्र 61% है। इसमें अपेक्षित सुधार वांछित है ताकि मातृ स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो सके। मातृ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर पर समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के आपसी समन्वय से सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाए तथा VHND का आयोजन समुचित रूप से किया जाए। बताया गया कि प्रखंड व जिला स्तरीय समस्याओं को संकलित कर प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली DLMC की बैठक में रखा जाएगा एवं उसका यथाशीघ्र निदान किया जाएगा ताकि जिला स्तरीय समस्याएं लंबित न रहे। प्रत्येक माह सिविल सर्जन और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कम से कम 2 VHND का पर्यवेक्षण संयुक्त रूप से और इसके साथ ही वे अलग अलग भी 2 VHND का पर्यवेक्षण करेंगे।